यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं घर से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फक से कहता हूँ मैं इंडियन हूँ। स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना, पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है, कहीं अलग से बनती है ये, पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है, इसमें कोई डिवाइस लगी है हा? लेकिन जहां जब इसका सवाल आया था, हाँ इतने बेवकूफी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना, पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है, कहीं अलग से बनती है, ये पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है, इसमें कोई डिवाइस लगी है। लेकिन जहां जब इसका सवाल आया था, हाँ इतने बेवकूफी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि हंसी आती है यार कभी कभी तो सोचकर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज को समझाया था, वसीम अकरम, कि अंपायर्स आते हैं बॉक्स लेकर, हम चूज करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर्स सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं, वैसे ही होता है, 4-6 बॉल होती है चूज कर ली जाती है। अब ये बॉल कहाँ से आई है, डिवाइस कहाँ से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा। एक और मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज्यादा हो जाता। किस तरह का वीडियो, मैं बॉल लेकर उसको तोड़ कर दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं है, ये वाला तोड़े मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है, अगर फिर उनसे सवाल पूछता कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा उल्टा दब जाए, इसमें डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई, उसमें चक्का पड़ गया फिर। सही बात है, लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है, ये बहुत खराब चीज है, ये मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीजें। अच्छा एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है। मैं मुस्लिम हूं, मैं घर से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फक से कहता हूँ मैं इंडियन हूँ, इसमें क्या दिक्कत है भाई। हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहने नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती किसी की परमिशन की, मुंह तोड़ के रख दिया तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीजें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था नहीं किया। अरे भाई जिंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके, 5 विकेट तो पहले भी लिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा, मैं इंडिया के हर मंच पे करूंगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। रोकता थोड़ी है अपने बंदे, नहीं ये चीजें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया शायद 6ठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी, हाँ क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊं यहां से, क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से 100% से डाल रहा था उस टाइम, जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज्यादा ही फेंक रहा था मैं। मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था, अब उसने जब बॉल ऐसी की तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला।
और भाई इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई किसी और कोई काम ही नहीं है उन लोगों को। न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद आपने फिर न्यूजीलैंड में 5 विकेट ली, फिर इंग्लैंड, फिर श्रीलंका, फिर आ गया सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल में बोर्ड पे तो 400 रन थे, लेकिन एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 400 चेज भी ना हो जाए, और फिर दोबारा से आते हैं मोहम्मद शमी। सच में उस टाइम तो लग रहा था क्योंकि बानखेड़े पे मैच है, आप बाउंस ट्रू रहता है वहां पे, आपको पता है कि वहां 400 भी बन जाएंगे। अगर आपके पास सेट बैट्समैन खड़े हैं तो आपके 400 रन कोई माने नहीं रखते उस विकेट के ऊपर, क्योंकि बॉल ट्रेवल करता है, बॉल बाउंस पे आता है, पेस अच्छी होती है, तो होता है कि हाँ रन पे सेफ नहीं होते, क्योंकि आप जो एक टीम जो बराबर की टीम आपके सामने खेल रही है वो भी बना सकती है, और जब जब आप सेकेंड बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि वहां पर ड्यू भी होता है, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, इजी आने लगता है बैट पे, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं उस टाइम। वो जैसे मैं अभी बोला था कि दोपहर में बॉलिंग करना और रात को बॉलिंग करना बहुत अलग चीज होती है। कहानी गड़बड़ कैच छूटने पे हुई थी, आपने कैच छोड़ा। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी मैं कैच छोड़ सकता हूँ, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन कैच छूटने के बाद मेरे दिमाग में आया था कि अब ये आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ, क्योंकि दोनों सेट खेल रहे थे, बहुत जरूरी था। दिमाग में उस टाइम पे मुझे प्रेशर आया था, मैं अगर कहूँ कि हाँ नहीं सोचा या लोगों को नहीं लगा कि इस पे प्रेशर नहीं था तो लोगों को नहीं पता चलो, लेकिन अंदर से मेरे ऊपर प्रेशर था। और एक भी बैड कमेंट्स या बैड फेस स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो शॉकिंग फेस दिखाते हैं, वो भी मुझे देखने को नहीं मिला कि हाँ किसी ने मेरे लिए खराब रिएक्ट किया हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बोला, लेकिन जब बॉलिंग आई तो बस एक ही चीज दिमाग में थी, जब मैं रन अप पे था मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, या तो ये मुझे 3 छक्के मारेगा या मैं इसको आउट करूंगा। यार वीडियो खत्म, पाकिस्तानी ट्रोलर्स को तो सही यार जवाब दिया, सही पैंट बचाया। कहते अच्छा, कहते मेरा दिल था कि मैं बॉल को दुकान से काट के बताऊं, लेकिन कहा कि बहुत ज्यादा बोले कि वो बहुत सा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मतलब ये प्लेयर्स आपकी जो हम सोचते हैं ना, प्लेयर्स को कुछ नहीं पता होता, प्लेयर्स सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता, प्लेयर्स इग्नोर करते हैं। और दूसरी बात यार देखो, अगर इन्होंने बोला मैं आज तक अगर मुझे कोई भारत से दिक्कत अगर मुसलमानों को, तो मैं होता ही नहीं था, मैं बोल छोड़ के चला जाता, कहता मैं जहाँ पे मैं करूँ मुझे कौन रोकता है, कोई नहीं रोकता। ये जो कहता मैं एग्जॉस्ट हो गया था, मैं बिल्कुल थक के चूर हो चुका था, तब मैं इस तरह बैठा हूं, मैं कहता मैंने पहले भी 5 हफ्ते लिए, कभी मैंने किया सजदा, तो ये चीज वो आप लोगों ने लिया बीच में। और बाल वाला बताया, उन्होंने कहा कि आगे पीछे हो जाती, साइड पे हो जाती, स्विंग कैसे करती, बटन लगा होता क्या होता। यार वाकई में यार एक सच बात बोलू ना, हमारे क्रिकेटर चवल है, चवल है सच में बताऊं, ऐसी उन्होंने बातें की है ना, हाँ, कि जो भी सुनता है उसको हंसी आती है, कि यार ये कैसे लोग हैं, बेइज्जती हमारी, बेइज्जती हमारी हुई है, सच में बताऊं, सच बोलूं यार। आपका गेस्ट के कहने अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।